टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, भाई साहब। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, टाइगर 3 का टीजर आ चुका है। जी हाँ, मोस्ट मच अवेटेड मूवी का टीजर, जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सलमान खान के जो फैंस हैं पागलों की तरह वेट कर रहे थे, इवन मैं खुद वेट कर रहा था इस टीजर का। और बाय गॉड, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा मिला है। ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि इस हिसाब का टीजर आ जाएगा, क्योंकि 2023 में एक्शन मूवी के लिए जाना जाएगा, एक्शन मासी मूवी के लिए जाना जाएगा, जहां पर हम पठान का टीजर देख चुके थे, प्रीव्यू देख चुके थे जवान का, और ट्रेलर देख चुके थे जवान का, उसके बाद हम सालार का टीजर देख चुके थे, है ना। तो चीज़ें जब 100% में हमें पहले, और ये कोई छोटी मोटी मूवीज़ नहीं थी, बहुत बड़ी बड़ी मूवी के टीजर हैं, ट्रेलर हैं। और जब इन बड़ी बड़ी फिल्मों के टीजर ट्रेलर आते हैं तो एक 100% का हाइप लेकर आते हैं, ऐसी हाइप सेट करके आते हैं कि वहां तक कोई टच ना कर पाए और उनका यही नंबर वन पर जाए। लेकिन बाय गॉड, टाइगर 3 के टीजर ने वो कमाल करके दिखाया है, क्योंकि जवान के प्रीव्यू और टीजर और उसका ट्रेलर हम देख चुके थे। उस हाइप को मैच करना, ना कि सिर्फ मैच करना, उसको एक बार के लिए बीट डाउन कर देना। क्योंकि जब टाइगर 3 का टीजर देखा जा रहा था तो वहां ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि यार ये सब देखा जा चुका है, ये ऐसे एक्शंस, ये ऐसे सिनेरियोज, ये हम पहले भी देख चुके, बिल्कुल कोई दिमाग में आया ही नहीं है सारी चीज़ें। बस यही चल रहा था कि भाई ये तो नया देखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है, म्यूजिक ऑसम है, BGM ऑसम है। पहले तो बताऊंगा टीजर की लेंथ 1 मिनट 43 सेकेंड की है, डायरेक्टर मनीष शर्मा है, और जबरदस्त टीजर निकाला है भाई गॉड। फिर से कहूंगा, डायलॉग डिलीवरी जो हुई है ना सलमान खान की तरफ से, अमेजिंग हुई है। मतलब टीजर में पूरे ही टाइम पर सलमान खान को ही फेस करा गया है, उनके बोलने से लेके, उनके एक्शन से लेके, उनकी पास्ट लाइफ को लेके, उनका फ्यूचर में क्या होने वाला। मतलब जो टाइगर का मैसेज ये टाइटल दिया जा रहा था इस टीजर को, वाकई में ये टाइगर का मैसेज था भाई गॉड। टाइगर का मैसेज सिर्फ इतना ही नहीं था कि मैं कमबैक कर रहा हूं, ये भी था कि बस कमबैक कर रहा हूं, लेकिन कैसा कमबैक कर रहा हूं, फाड़ू कमबैक कर रहा हूं। मतलब मूवी में तुम्हें क्या देखने को मिल सकता है, वो 2-3 जो लाइनें थी उसी में समझा दिया कि पूरी मूवी में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। मतलब टाइगर जो अपने रॉ एजेंट हैं अविनाश सिंह राठौड़, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से देशभक्ति में पूरे 20 साल लगाए, लेकिन एट मोमेंट एक ऐसा मोमेंट आ चुका है उनकी लाइफ में कि उन्हें देशभक्ति नहीं देशद्रोही का करार दिया जा रहा है। पूरे टीजर में इसी को फोकस किया गया है। मतलब सलमान खान अपनी देशभक्ति प्रूफ करने में लगे रहेंगे इस बार, क्या कहते हैं, टाइगर 3 में। ये जो जंग है, ये जंग किसी और देश से नहीं है, खुद अपने ही देश से। इट मीन्स ये कि एनिमी का करार दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अब कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिलेगी ना, कैसे टाइगर अपने, क्या कहते हैं, अच्छाई प्रूफ करेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक जो वर्ड बोला है, बड़ा ही प्यारा बोला है कि 20 साल के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। ये आप लोग बताएंगे मेरे बेटे को कि टाइगर देशभक्त था या देशद्रोही था, इस टाइप से एक डायलॉग था, जबरदस्त डायलॉग था। मतलब सलमान खान की जो डायलॉग डिलीवरी है ना, मज़ेदार है, और भारी आवाज़ दमदार है भाई साहब। तो टाइगर को इंडिया का दुश्मन बताया दिया गया है, तो ये देखने में मजा तो आने वाला है, क्योंकि जो बंदा अपने इंडिया के लिए इतना कुछ कर चुका है, जो हम टाइगर जिंदा है में देख चुके हैं, जो टाइगर फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, अब वही लड़ाई उसके लिए लड़ी जा रही है जिसके लिए वो लड़ता था, तो उससे लड़ाई हो रही है अब। तो भाई मजा तो आने वाला है, उस डायलॉग में मजा आ जा रहा है बाय गॉड। एक ये वाला डायलॉग बड़ा ही प्यारा लगा कि जिंदा रहा तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर, वरना जय हिंद। उसके बाद जो फाइनल डायलॉग डिलीवरी करी गई थी सलमान खान के द्वारा कि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, जबरदस्त है भाई गॉड। क्योंकि ये दिखाता है ना उनका पोटेंशियल, उनका जज्बा। वो सिर्फ मूवी में कैरेक्टर रोल नहीं प्ले कर रहे हैं कि हम, मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, वो वाकई में एक्चुअल लाइफ में ना एक मैसेज भाई गॉड देना चाह रहे थे कि यार अगर मेरी कुछ फिल्में फ्लॉप गई तो क्या हुआ भाई, अभी हम हैं, अभी वही बात कि टाइगर जब तक मरा नहीं तब तक हारा नहीं। तो बस ये प्रूफ करने का समय आ गया, ये कमबैक करने का समय आ गया। क्योंकि कुछ जो फिल्में अभी सलमान खान की गई थी, लाइक किसी का भाई किसी की जान, राधे हो गई, उसके बाद अंतिम मूवी हो गई, और भी दबंग का सिक्वल आया था, तो ये सारी मूवी बुरी तरीके से पिटी गई थी। तो यहाँ से ना टाइगर सिर्फ मैसेज अपनी मूवी के लिए तो दे ही रहा है, है ना, इंडियन गवर्नमेंट को तो दे ही रहा है मूवी में, फिल्म इंडस्ट्री को भी ये मैसेज दे रहा है, उसके बाद पब्लिक में भी ये मैसेज दे रहा है कि जो अंडर एस्टिमेट करने लगे थे यार कि सलमान खान का एरा अब खत्म हो गया है, भाई टीजर देख लो मजा आ जाएगा, पता लग जाएगा खत्म हुआ है या अभी स्टार्ट हुआ है। जबरदस्त है म्यूजिक, मैं कहूँगा लास्ट एंड फाइनल टॉक, म्यूजिक
अमेजिंग है, सॉलिड है। बीजीएम बहुत धांसू है बाबा, बहुत ही प्यारा लग रहा है, एक टाइप से सनसनी एंड गूजबम्स ला दे रहा है ना, कि टाइगर की न्यू थीम है। टाइगर की थीम थी जो फर्स्ट पार्ट में थीम है वो सेकंड में है, उसको रिक्रिएट करा गया है, उसमें मैसअप करके जबरदस्त थीम बनाई गई है। तो म्यूजिक बड़ा प्यारा है और इवन टीजर बहुत प्यारा लगा, सलमान खान की डायलॉग डिलीवरी बहुत प्यारी लगी, उनका स्क्रीन टाइम बड़ा प्यारा लगाया गया, और जो भी मतलब मुंह से तो उन्होंने तबाही मचाई। उसके बाद लास्ट के जो कुछ एक सेकंड के एक्शन सिक्वल है अभी खुल के दिखाया नहीं गया है, लेकिन हाँ ये एक चीज पता लग गई कि मूवी में क्या होने वाला है। रॉ और अविनाश राठौर उर्फ टाइगर के बीच में पंगा चलने वाला है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात चल रही है, तो अब समझ जाओ कि क्या होने वाला है। दमदार होने वाला है, मजा आने वाला है। तो अभी आप लोगों ने भी अगर टीजर को देख लिया है तो आपको कैसा लगा? मैं सही बताऊं, मैंने एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार इस टीजर को देखा है, तब ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया, समझ में आया, एक ही बार में आ गया। तो आपको कैसा लगा ये टीजर? और अगर नहीं देखा है तो जाके देखो यार, जबरदस्त है। मैं कम से कम 1-2 बार और देखूंगा, जबरदस्त है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं बताऊं आपको, तो अब ये मूवी कितना बिजनेस करके जाने वाली है, अगर एक प्रिडिक्शन करते हैं, बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन, मैं मान के चल रहा हूं 1500 करोड़ टच करेगी ही करेगी। जवान, पठान, ये सारे रिकॉर्ड धराशाही होने वाले हैं। 1200 करोड़ इजी नंबर लग रहा है, मिनिमम 1200 करोड़ टच करेगी, मैक्सिमम 1500 करोड़ जाएगी, क्योंकि 3 का जो टीजर है ना भाई, सॉलिड है, कोई कमी देखने को ही नहीं मिली। अगर कुछ भी कमी होती तो एक बार के लिए अजम्पशन कर लेते यस कि हाँ इतना कलेक्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन से मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मूवी 1500 करोड़ ईजिली टच करेगी ही करेगी। एक तरफा लेके जाने वाले हैं टाइगर भाई, सलमान खान एक तरफा लेके जाने वाले हैं। तो जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि ये मूवी कितना बिजनेस कर सकती है, आपकी क्या राय है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।